हम बात करने वाले बहुत सारे कोई भी एंट्रेंस नहीं दिया है अभी उनके ग्रेजुएशन कम्पलीट हुए हैं जितने भी कॉलेजेस जहाँ पे सीट अवेलेबल है वो कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम मांग रहे हैं जून का सेशन जून चल रहा है आप अभी भी जो कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहां सीट है वहां पर कर सकते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें स्केड्यूलिंग की तो 28 मई से 15 जून तक रजिस्ट्रेशन एटमा के जून वाले सेशन के लिए चालू हैं। लास्ट डेट अगर हम बात करें तो दैट इज सॉरी पंद्रह जून जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सत्रह जून तक प्रिंट कर सकते हैं नाइनटीन जून को जो है वो एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा एंड ट्वेंटी थर्ड जून को राइट right, एटमा का जून वाले सेशन ज्यादातर यही है कि आप जून वाले सेशन को लिखें अगर आप ट्वेंटी के बैच में इनरोल करना चाहते हैं अगर आपके दिमाग में आप टारगेट कर सकते हैं नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड अगर हम बात करें ये एग्जाम का जो फुल फॉर्म है दैट इज एम्स टेस्ट फॉर मैनेजमेंट एडमिशन नोन एज एटमा कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो एम्स व्हिच इज एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स

एक्सेप्ट करते हैं तीन घंटे का एग्जामिनेशन होता है सिलेबस की बात करें लाइक ऑल दी अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स वोबल स्किल्स क्वांटिटेटिव स्किल्स ये सारी स्किल्स जो हैं इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं वन टू एटी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं हर सही आंसर के लिए प्लस वन की मार्किंग एंड पॉइंट

राइट देन ऑफ ऑफ जून एंड जुलाई तो जैसे मैंने आपको बताया चार से पांच बार कंडक्ट होता है तो सेशन 18th को होता है सेशन टू का एग्जाम ऑफ को होता है सेशन थ्री का ट्वेंटी थर्ड जून को होता है जो कि इसी महीने होने वाला है एंड सेशन फोर का ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई को होता है अगर हम वुमेन कैंडिडेट्स की बात करें तो ट्वेंटी फाइव परसेंट का फिफ्टीन हंड्रेड का एप्लीकेशन है uh, एंड अगर आप कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश असाम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा के हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस जो है वो वन थाउजेंड की पड़ती है राइट right? इसके बाद अगर हम बात करें एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एनालिटिकल रीजनिंग वर्बल स्किल्स क्वानिटेटिव स्किल्स एनालिटिकल रीजनिंग स्किल्स वर्बल स्किल मतलब ये अलग अलग सेक्शन होते हैं ड्यूरेशन वन एटी में थ्री आवर्स टोटल मार्क्स पॉजिटिव नेगेटिव हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बाद अगर हम कॉलेजेस की बात करें कई साल एक कॉलेजेस जैसे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट देन आई एस एम आर पुणे एक्सेप्ट करता है IS, देन जिम्स रोहिणी तकशीला ये सारे कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं इंडिया आई एम डेली राइट एंड कट ऑफ है सच कुछ नहीं है अगैन ये बहुत सारे कॉलेजे हैं आई एम एस गाजियाबाद है जयपुर या नोएडा जयपुर या नोएडा वैसे पैक हो चुका है सर्विस मैनेजमेंट के लिए अभी सीट्स ओपन है जिम्स रोहिणी है सोयल गुड़गांव है डेली स्कूल ऑफ बिजनेस है राइट right? अगर आप हम नॉट श्योर फॉर सोइल इसके लिए आप एक बार रीचेक कर सकते हैं बट अगर आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस जानना चाहते हैं नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड फॉलो आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोर सच वीडियोस कीप वाचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब